नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रो कटर के बारे में, जो एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट है प्रो कटर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रो कटर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पे बॉक्स लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया, उसके बाद एक स्फीयर लेता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। एक और मैंने स्फीयर लिया यहाँ पे, एक और स्फीयर यहाँ पे, और एक और स्फीयर में यहाँ पे लेता हूँ, और एक को मूव कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, इसको कुछ मूव कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, कुछ इस टाइप के मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैंने क्या किया, बॉक्स को सिलेक्ट किया, कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे जाके प्रो कटर पे क्लिक करता हूँ। अब देखो बॉक्स के केस में कुछ डिफरेंट तरीके से प्रो कटर काम करता है, और जो इससे बाद में आपको बताने वाला हूँ कटिंग सिस्टम, उसमें प्रो कटर किसी और तरीके से काम करता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैं क्लिक करता हूँ पिक स्टॉक ऑब्जेक्ट्स पे। बॉक्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, पिक स्टॉक ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करो, और देखो इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, सिर्फ वो शेप इसमें से कट हो गई कुछ इस तरीके से, और ये जो मैंने सेलेक्ट किया वो स्फीयर आपका यहाँ पे ऐड हो गया, जो आपका सब ऑब्जेक्ट ऑपरेशन है यहाँ पे ऐड हो गया। दोबारा इस पे क्लिक करोगे तो इसमें से भी कट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐसे ही मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो देखो जो वो शेप थी बॉक्स वाली, वो इन सब के बीच में आके बन गई। क्लियर है? अब थोड़े बहुत इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। कैसे? अभी था स्टॉक आउटसाइड कटर, अगर आपने स्टॉक आउटसाइड कटर पे क्लिक किया, जो स्टॉक था आउटसाइड कटर पे क्लिक किया, तो आपका आउटसाइड वाला पोर्शन बच गया, जो वो था आपका इनसाइड वाला, वो आपका कट हो गया। अगर आप स्टॉक इनसाइड कटर पे क्लिक करोगे, देखो आपका दोनों पे क्लिक है, तो जो उसकी शेप थी बॉक्स की, वो आपकी इस पे बन जाएगी। अगर आप इसमें स्टॉक आउटसाइड कटर को अनचेक कर देते हैं, तो क्या होगा, जो इनसाइड इनसाइड वाला पोर्शन था, सिर्फ वैसे ही वो बचेगा, जो इसके आउटसाइड वाला था वो हट जाएगा। ये सिर्फ बात हो रही है स्टॉक की, जिसको आपने स्टॉक करके ऑब्जेक्ट बनाया था। अगर मैं कटर आउटसाइड स्टॉक पे क्लिक करता हूं, तो उस बॉक्स के ऊपर ये निशान सा, ये जो इसके प्रिंट थे वो आ जाएंगे। इन दोनों पे क्लिक किया हुआ है, इसका क्लिक हटा देता हूं, तो उस बॉक्स में से ये वाले ऑब्जेक्ट यहाँ पे कट हो जाएंगे, और इसके साथ स्टॉक आउटसाइड पे क्लिक कर देता हूं, दोनों ही आपके ऐसे रहेंगे। क्लियर है? अब ये सारे अलग अलग हैं, जिनको आप बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? अगर मैंने कर दिया ऑटो एक्सट्रैक्ट मैक्स और एक्सप्लोर बाई एलिमेंट, अब अगर मैं कमांड से बाहर जाता हूं, ठीक है, अगर मैं दोबारा से करके बताऊं आपको, मैंने अंडू किया यहाँ पे, अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूं, मान लो मैं इन स्फीयर को सिलेक्ट करके, अब अगर मैं यूज करता हूं कंपाउंड ऑब्जेक्ट प्रो कटर, और अब मैं क्या करता हूं, पिक कटर ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, और मैंने ये भी सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट किया, ये तो हो गए कटर, और स्टॉक ऑब्जेक्ट पे मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहां से चेंज कर सकते हो कि किस तरीके से आप इसे चाहते हो, वैसे ही आप इसका यहाँ पे उल्टा यूज कर सकते हो, कि उन ऑब्जेक्ट को आपने कटर ऑब्जेक्ट बनाया, इनको स्टॉक बनाया, वो आप अपने तरीके से इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर है? डिस्प्ले आपको पता ही है, रिजल्ट शो करेगा, ऑपरेंड करोगे डायरेक्टली ऑपरेंड सेलेक्ट करेगा, मटेरियल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक में आपने क्या ऑब्जेक्ट डाला, कटर पे आपने क्या ऑब्जेक्ट डाला, ये आप उल्टे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लो मैंने इसको डिलीट किया, अब बात करते हैं कि मान लो मेरे पास अब एक स्फीयर है, और मैंने एक स्फीयर लिया। स्फीयर लेने के बाद मैं यहाँ पे फ्रंट में जाता हूं, और मैंने एक प्लेन लिया, और एक प्लेन को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया यहाँ पे, और इस प्लेन को मैंने क्या किया, टॉप से जाके शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं रोटेट करता हूँ, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करता हूँ, और मैंने यहाँ पे दो तीन कॉपीज ली, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे कट करना चाहता हूँ पीसीस में, तो उसके लिए अब मैं सिलेक्ट करूंगा किसी भी एक प्लेन पे, और आप अब जाएंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे, अब करेंगे प्रो कटर पे क्लिक, और अब मैं क्या करता हूँ, ऑटो एक्सट्रैक्ट को और एक्सप्लोड बाई एलिमेंट को पहले ही चेक कर लेता हूं, और स्टॉक इनसाइड कटर को, या बाद में भी कर सकते हैं,
एक्सपेरिमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप अब क्लिक करेंगे प्रो पिक कटर ऑब्जेक्ट्स, आप इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें और इसको भी सिलेक्ट करें। ये तो हो गए आपके कटर ऑब्जेक्ट। और अगर आप पिक करते हो स्टॉक ऑब्जेक्ट में इसको, तो क्या होगा? देखो ध्यान से, कुछ कलर चेंज हुआ है। मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं, इनको सिलेक्ट किया डिलीट, अब मेरे पास कुछ इस टाइप का ये आ गया। क्लियर है? इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये सारे पीसीज अब अलग अलग है, मैं किसी भी पीस को बाहर निकाल सकता हूँ कुछ ऐसे करके। ये सारे के सारे आपके जितने भी पीसीज हैं वो सारे के सारे अब अलग अलग है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। इसने क्या किया, सब पीसीज को यहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग काट दिया, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ऐसे आप इसको कटिंग कर सकते हो। मान लो मैं इसको भी साइड करता हूं। आप बात करते हैं, मान लो मेरे पास कोई एक सिलेंडर है, मान लो मैंने एक सिलेंडर बनाया, टॉप पे गया और यहाँ पे भी मैं एक प्लेन लगा देता हूँ। ये मैंने एक प्लेन लगाया, मैं फ्रंट पे जाता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे मूव किया, और मूव करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ रोटेट, और इसको मैं यहाँ पे एक कॉपी कर देता हूँ। ये कॉपी, ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आए, इसको मैं ऊपर कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, या फिर मैं इसको मिरर भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब मैं कुछ अपने वे में, ये मैंने दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाए, ऐसी ऑब्जेक्ट मैंने दो यहाँ पे लगाए, कॉपी, ये वाले दो ऑब्जेक्ट मैंने कॉपी करके यहाँ पे प्लेस किए, कुछ इस वे में कॉपी किया, इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी किया कुछ इस तरीके से, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को भी मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब मेरे को करना है क्या है, मैंने एक को सिलेक्ट किया और जाता हूँ कंपाउंड ऑब्जेक्ट प्रो कटर। अब पिक मैं इन दोनों पे पहले ही क्लिक कर लेता हूँ और स्टॉक इनसाइड पे पहले ही क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं करूंगा पिक कटर ऑब्जेक्ट, मैं अब इन सभी प्लेन्स को सिलेक्ट कर लूंगा। ये आप यहाँ पे भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट बाई नेम पे जाके भी, ठीक है? ये वरना मैं यहीं से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिविजुअल प्लेन को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? मेरे सारे प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट है, और जो स्टॉक ऑब्जेक्ट है आपका उसको सिलेक्ट किया, और मैंने अब इसको क्लिक किया। अब देखो क्या हुआ, अगर मैं फ्रंट में जाके आपको दिखाऊं, कमांड से बाहर आ गया और मैं इन सभी प्लेन्स को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, तो देखो कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पे जो आपका सिलेंडर था ऐसे आ गया। आप सबको अब इंडिविजुअली देखो, अपने अपने पार्ट को अलग अलग कर सकते हो कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे आप अलग कर सकते हो। एक और चीज आप कर सकते हो, अब देखो जिस भी आप क्लिक करते हो उसका पाइवेट पॉइंट एक ही जगह पे है। मैं चाहता हूँ कि सबके पाइवेट पॉइंट उसके सेंटर में आ जाए, तो आप सबको सिलेक्ट करो, हायरार्की पे जाओ, अफेक्ट पाइवेट ओनली पे क्लिक करो और सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दो, वो कंप्लीट सेंटर में आ जाएंगे। और इसको करने के बाद आप जाओ एक बार यूटिलिटीज में, और यहाँ पे है रिसेट एक्स फॉर्म एंड रिसेट सिलेक्टेड कर दो, वो आपके रिसेट हो जाएंगे। अब जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसी का पाइवेट पॉइंट आपको सेंटर में नजर आएगा। क्लियर है? ऐसे आप एनिमेशन भी डाल सकते हो, और ये चीजें आपके एनिमेशन डालने के लिए ही होती है। अब मान लो कुछ और एडवांस लेवल पे अगर हम जाते हैं, तो मान लो मैंने एक यहाँ से स्टार बनाया और मैं इससे एक कॉलम बनाऊंगा। यहाँ पे स्टार को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रेडियस इंक्रीज किया, कॉर्नर का इनसाइड रेडियस इंक्रीज किया, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड। अब मैंने यहाँ पे इसे एक्सट्रूड किया, अमाउंट मैंने इंक्रीज की कुछ इतना, मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया। अब मान लो मैं प्लेन, नॉर्मल प्लेन नहीं चाहता, मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेन को लिया और इसके सेगमेंट्स को इंक्रीज किए, सेगमेंट इंक्रीज किए, और मैं अब क्या चाहता हूं, यहाँ पे मैंने नॉइस लगाया थोड़ा सा, मैं इसको शेप को अलग तरीके से चाहता हूँ, मैंने जेड एक्सिस में नॉइस लगाया, स्केल को इसका कम किया, कुछ इस टाइप में आपका बना,
और शीट्स को बढ़ाया, स्केल को और कम किया, इसको और बढ़ाया और थोड़े सेगमेंट्स और मैंने इंक्रीज किए ताकि और स्मूथनेस आ जाए। तो मान लो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर आपका बना। अब इसको मैं रखता हूं यहां पे फ्रंट पे जाके, मैं इसको हल्का सा करता हूँ रोटेट कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो मेरे को स्ट्रेट ही चाहिए तो आप इसको ही कॉपी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे कॉपी की, अब आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाके आप चूज कर सकते हो कंपाउंड ऑब्जेक्ट, प्रो कटर, पिक कटर ऑब्जेक्ट्स में आप इसको भी सिलेक्ट कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें। इससे पहले अंडू करता हूं मैं, सिलेक्ट करने से पहले जब आप प्रो कटर यहाँ पे यूज करेंगे तो पहले ही आप ऑटो एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लोर बाई एलिमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं और स्टॉक इनसाइड कटर पे क्लिक कर सकते हैं। और अब पिक कटर पे क्लिक करें, आप इसको सिलेक्ट करें और पिक स्टॉक पे आप इसको सिलेक्ट करें। तो कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली भी कर सकते हैं बाद में, और आप इसको बाई एलिमेंट भी इंडिविजुअली आप अलग अलग इसको रख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको डिजाइनेबल चाहिए कॉलम, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर यहाँ पे दे पाओ। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको मूव करके तो नॉइस की हेल्प से, तो कुछ इस टाइप का आपके कॉलम का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन पाया है। ऐसे भी आप अपने कॉलम को बना सकते हैं। इसकी हेल्प से आप अपने एक पूरा प्लान जो आप बनाते हो, 3D आप बनाते हो, उसका भी कंप्लीट सेक्शन कट कर सकते हैं, उसको भी आप टू पार्ट्स में वहां से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रो कटर, जिसको आप यूज कर सकते हैं कुछ इस वे में, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के तरीके से कट कर सकते हो आप प्रो कटर की हेल्प से। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.